चलिए दोस्तों, आज जावा आई की स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं गहराई से। सबसे पहले आपने जावा आई की एप्लीकेशन आपने देखी होगी, आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो। चलिए देखते हैं, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके सामने दिखाता हूँ असेस्ट में। ये देखिए, मैंने यहाँ पे $50 का रिचार्ज किया था तो $10 मुझे मिल गए थे, $60। $60 के बाद मैं डेली टिकट बाय करना और वाउचर ख़रीदने में अभी तक मेरे 88.2 डॉलर हो चुके हैं, जो कि अराउंड ये मान के चलो आज कितनी तारीख है, ये 21 दिन में इतने डॉलर अर्न किए हैं, $20। तो $20 का आप कैलकुलेट कर सकते हैं अराउंड 85 के रेट से, जो कि इसमें हमें मिलता है। तो इतना अभी तक इसमें पैसा अर्न किया है। चलिए अभी देखते हैं कि जावाई से ये पैसे कैसे कमाए जाते हैं और जावाई कैसे काम करता है। क्रोम ओपन कर लीजिए, क्रोम में आपने लिखना है जावाई। जावाई ओपन कर लेंगे वेबसाइट, आप सबसे पहले टाइप करेंगे जावाई। देखिए मैंने काफ़ी सर्चेज किया हुआ है, जावाई पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। अब इसको गहराई से समझते हैं कि ये वेबसाइट ऑथेंटिकेटेड है क्या नहीं। जावाई पे क्लिक करते हैं, .com का इन्होंने अपना डोमेन लिया हुआ है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने यूट्यूब के अपने वीडियो लगाए हुए हैं, फिल्मों के पोस्टर लगाए हुए हैं, एक कम्युनिटी बनाई हुई है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल भी डाले हुए हैं, जिसमें ईमेल है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। ऑलमोस्ट इन्होंने सभी सर्विसेज यहाँ पे दी हुई है। ईमेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनकी ईमेल ओपन हो जाती है, जो कि डोमेन के साथ है, @javaice.com, जो कि ऑथेंटिकेटेड है। चलिए अब इनका नेक्स्ट देखते हैं वेबसाइट पे क्या डाला हुआ है। ये इनका फ्यूचर गोल है, डेवलपमेंट प्लान है, इनके लाइसेंस देखते हैं, लाइसेंस भी आपको दिखाऊंगा। तो फिर मैं सोशल मीडिया पे इसके ट्विटर पे जा कर के इसको एक बार सर्च करते हैं कि क्या कितना पॉपुलरिटी है, कितना लोग इसको जानते हैं। जावा यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे ओपन निकल के आता है एक कि किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है हाई अलर्ट द जावाई ओनली द वन आई ऑफ डाजल ऑफ एंड पिरामिड फिरून सॉफ्टवेयर फॉर अर्निंग इज गोइंग टू बी क्लोज विड्रॉ योर मनी एज सुन एज पॉसिबल आइदर यू आर आन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम BBC न्यूज़ व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेशन। एक पिक भी दी हुई है जो कि जावाई की ओपन होते समय 5 सेकेंड का जो टाइम चलता है, इसने इसको अपलोड किया हुआ है। अब ये शख्स कहता है कि आप पैसा अपना निकाल लो जावाई से, तो ये जावाई के ऐप कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी का मतलब ये बंद होने जा रही है। तो ये इसने 7 फरवरी को डाला था, 7 फरवरी का इसका ट्वीट है और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अराउंड ये 15 तारीख हो चुकी है, तो करीबन 7-8 दिन हो चुके हैं। चलिए इसके ट्वीट को ओपन करके देखते हैं। तो इसने भी मुझे लगता है जावाई में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसने 2 फोटो डाले हुए हैं, पर इसको ये नहीं पता कि इसने इन्वेस्ट किया हुआ है या नहीं। यहाँ 157 व्यूज़ हैं, महावीर बशीर ने इसको लाइक किया हुआ है, ये सभी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। इसका प्रोफाइल देखते हैं, व्हाट्सएप, BBC न्यूज़, पाकिस्तान OG, MSc मैथ्स कम्युनिकेशन, लव अल्लाह एंड हिज क्रिएशन एंड पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से है। चलिए इसके और ट्वीट चेक करते हैं इसके प्रोफाइल से। तो इसने 7 फरवरी को सिर्फ आज तक अपने ट्विटर पे एक ही ट्वीट किया हुआ है, मुल्तान पाकिस्तान से, जो 2012 में इसने ज्वाइन किया। अभी फेक पर्सन तो आई थिंक होगा नहीं, 11,000 से ज़्यादा इसके ट्वीट हैं, तो हो सकता है ये सही भी हो या गलत भी हो। इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले चलिए और ट्वीट देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हर 10 में से 9 ट्वीट जावाई के ऑफिशियल हैंडल को छोड़ करके मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, जो कि शो करता है कि ये मिडिल ईस्ट में ज़्यादा पॉपुलर है।
ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में नहीं, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, अरबियन कंट्री, उनमें ज़्यादा पॉपुलर है अभी। अभी इसके बारे में ज़्यादा पता लगा नहीं पा रहे हैं कि आखिर इनका पर्पज़ क्या है। दिस इज़ द टाइम वी इन्वाइटेड आवर सेंडिंग एजेंट फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैं इसके बारे में और जानने के लिए गूगल पे जाके सर्च करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसके जो सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी और इंग्लैंड एंड वाल्स, लेबनन ब्रदर लिमिटेड, 15 जून 2022 को प्राइवेट कंपनी के नाम से, लेबनन ब्रदर, नाम इन्होंने जावा ही रखा है, लेबनन ब्रदर है सर्टिफाई के नाम से, लेबनन ब्रदर के नाम से। सेकंड इन्होंने क्या डाला हुआ, चलिए देखते हैं। ये कुछ इंडोनेशियन लैंग्वेज में है आई थिंक, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जवाई पे जा करके इसको देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेकर जैसे भी है इसको आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ सिग्नेचर है डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट के, यहाँ से आप ऐसे इसको जा करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो इन्होंने डाला हुआ है ये है ACRA, सर्टिफिकेट कंफर्मिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, लीड टेक ग्रुप इंटरनेशनल PTE लिमिटेड, ये कंपनी नेम। वहाँ पे कुछ और नाम से रजिस्टर्ड है, यहाँ पे कुछ और नाम से रजिस्टर्ड है, ये सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। सेकंड नंबर पे जो मिला था हमें वो इंडोनेशिया में था, से कोई सर्टिफिकेट था। टेन योंग टेट, ये जो नीचे सील और ये साइन है ये तो ऑथेंटिकेटेड है, इसको मैं ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ। ये पर्सन भी है सिंगापुर में, ये गवर्नमेंट बॉडी है वहाँ की सिंगापुर के। अभी इसके जो ऑथेंटिकेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, ये किस कंपनी, यहाँ पे लीड टेक ग्रुप इंटरनेशनल का नाम डाला हुआ है, यूएएन नंबर है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कहाँ से इन्होंने यहाँ पे लगा के पेस्ट किया है मुझे नहीं पता, इस बारे में काफ़ी कुछ इसका रिसर्च करना पड़ेगा। ये सेकंड नंबर जो बताया था मैंने इंडोनेशिया का, यहाँ पे सेकंड नंबर इंडोनेशिया का, यहाँ पे इन्होंने कुछ लाइसेंस लगाया हुआ है, सर्टिफिकेट है क्या है। पहले नंबर पे जो सर्टिफिकेट है उसमें ये आज तो शो करते हैं कि इंग्लैंड से सर्टिफाइड है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है लेबनन ब्रदर। पे इसका डेवलपमेंट प्लान देखते हैं इन 2023, यहाँ से ऑलमोस्ट इन्होंने 6 महीने के बाद, ये जून जुलाई 2022 से स्टार्ट किया था, तो ये भी 2023 से इन्होंने अपना कुछ स्टार्टअप लिया है कि प्लान क्या आगे रखते हैं। 2027 तक का इनका प्लान है, इस तरह से आप इसको पूरा रीड कर लें। लेकिन 2027 के बाद क्या, कब तक ये ऐप चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। एक दिन तो ऐप चलते चलते बंद हो गई थी, वाइट स्क्रीन आ रही थी, तो अगर आपके सामने ऐसा होता है तो वाइट स्क्रीन आती है तो आपने वह ऐप को अनइंस्टॉल कर लेना है, और दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो ऐप ये दोबारा चल जाएगी। तो देखिए ये सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके जूम कर सके, या डाउनलोड करके इसको आप रीड कर सकते हैं, या इसके बारे में और किसी से आप जानकारी ले सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को आप मेल करके कि व्हाट अबाउट इट, अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट किया तो आप इनको सर्टिफिकेट को वहाँ की गवर्नमेंट के ईमेल को ऑफिशियल हैंडल वेबसाइट पे जा करके वहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल इंडिपेंडेंट फिल्म प्लेटफॉर्म जावा इंट्रोडक्शन, सिंस द रेलिवेंस जावा इज रियलाइज प्रोडक्शन, ये फिल्मों के लिए मनी पैसा इकट्ठा करते हैं जो कि प्रोडक्शन हाउसेस को जाता है, ये इसमें क्या पैसा लगाते हैं और कहाँ से इनको बेनिफिट होता है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। डेवलपमेंट प्लान तो हमने इसका रीड कर चुके हैं, इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिल रही कि पैसा क्या, कंपनी आगे कैसे अर्न करके, क्या इसमें गारंटी है। सबसे इम्पोर्टेंट
पैसा लगाने के बाद गारंटी की सोचता है हर इंसान, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में भी लगता है कि पैसा कहीं डूब ना जाए, ये तो एक प्राइवेट कंपनी है। ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, पैसा 20 दिन में पैसा डबल करने की बात करते हैं, 20 या 21 दिन में। जैसे आपने देखी होगी मूवी अक्षय कुमार की, 21 दिन में पैसा डबल। तो चलिए, हमने यहाँ पे कुछ साइटों पे ओपन किया हुआ है इनका, इन्होंने अपना क्या कुछ फ़ोटो वगैरह लगाए हुए हैं। इंटरनेट के स्लो के कारण थोड़ा डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो बैक करते हैं, वापस जाते हैं। चलिए बीबीसी जावा स्टार्ट करते हैं, सर्च करते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेशल की सर्च कर रहा हूँ ताकि पता लगा सके कि गूगल इनको क्या शो करता है। यहाँ पे एक वेबसाइट है स्कैम डिटेक्टर, ये साइट शो करती है कि कोई भी वेबसाइट स्कैम है या फ्रॉड है या फिर नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि 58.8 नंबर दिया हुआ है ना उन्हें आउट ऑफ 100, ये इसका रैंक है। जावा आई वेबसाइट, इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं है इसमें। आप देख रहे हैं कि जावा आई के बारे में ये दिखाया हुआ है यहाँ पे कि द स्कैम डिटेक्टर एल्गोरिथम गिव्स यू बिजनेस द फॉलोइंग 58, ये रैंक है 58.8 आउट ऑफ 100। तो आप सोच सकते हैं ये डेंजर जोन में है। नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर का स्पेस ट्रस्ट इंडेक्स दिखा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा डेंजर कैटेगरी में ही मान सकते हैं। 50-50 है, तो पैसे के मामले में ये देख सकते हैं। डोमेन कब क्रिएशन हुआ था, ये जुलाई 17 जुलाई 2022 में, 2022 में ये डोमेन लिया हुआ था। वेबसाइट पुअर है, कोई ब्लॉक लिस्ट स्टेटस नहीं है, और HTTP इनका कनेक्शन है वो तो वैलिड है। ये सभी यहाँ पे आउट ऑफ 100 ये देख सकते हैं। थ्रेड प्रोफाइल फिशिंग मालवेयर स्पैम, अभी मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करता आपको कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बट आपने इन्वेस्ट किया और आपका पैसा डबल हुआ है या नहीं हुआ है या होने जा रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें से कितना जल्दी आप पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे और इसमें कितने लंबे टाइम तक और रिस्क लेके अपने पैसे को आगे इनक्रीज करना चाहेंगे। एटलीस्ट हर कोई पैसे के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचता ही है। ये वेबसाइट का एल्गोरिथम है, इस ये पूरे वेबसाइट को बताता है कि हाउ टू स्पॉट अ फेक वेबसाइट। तो आप कुछ यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइट के अंदर भी दिया हुआ है कि रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम इंटरनेट, ये कुछ वेबसाइट भी है। मैं इसको कोई स्पॉन्सर या रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस वेबसाइट पे जा कर के कुछ डेटा को अपना रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये बस मैं वैसे ही क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसे कुछ वेबसाइट हैं। अभी ये कितना सही है कितना नहीं है, इसका पैसा लगेगा, ये आप सब यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इंटरनेट पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। चलिए बैक करके आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको चेक किया एक स्कैम वेबसाइट पे भी। स्कैम डिटेक्टर एक सर्च वेबसाइट है जिसके अंदर हम देख सकते हैं स्कैम डिटेक्टर ने इसको जो रैंक दिया है वो आपने देखा है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुस्लिम लैंग्वेज में टिकटॉक पे, ये अमेजोन पे तो कुछ नहीं है, बाकी फेसबुक वगैरह पे बीबीसी का कुछ, यहाँ पे कभी कुछ कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अभी आप बताओ मैं इस चीज़ पे कैसे विश्वास करें ये सही है। यूट्यूब पे काफ़ी सारी आपको वीडियो भी देखने को मिलेगी जिसमें जाओ आएगा काफ़ी प्रमोशन और काफ़ी चीज़ें दिखाई हुई हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं न्यूज़ पे जाता हूँ तो न्यूज़ पे तो बीबीसी का कुछ दिख नहीं रहा, जैसे कि उस पर्सन ने मेंशन किया हुआ था कि बीबीसी ने न्यूज़ डाली जाओ आई वे, वो तो मुझे लगता है टोटली फेक है। अगर वो फेक नहीं होता तो बीबीसी जाओ आई ये स्पेशल कीवर्ड सर्च करने के बाद कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाता आपको भी मुझे भी। न्यूज़ आप देख सकते हैं ओनली जावा आई लिखने के बाद भी ये मिडिल ईस्ट कंपनियों में काफ़ी पॉपुलर है। और अभी यहाँ पे कुछ और मिल ही नहीं रहा है, गूगल को सर्च कर ही नहीं रहा है जावा आई क्लिक करने के बाद। यहाँ पे दो एक वेबसाइट दिखा रहे दे रही हैं जहाँ पे NTV की KLI की कुछ करके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ
इंडोनेशियन मुझे वेबसाइट लग रही है, इसको इंग्लिश में हम रीड करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में मैंने इसको सर्च इंजन से चेंज किया इसके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास देखने को मिल नहीं रहा है कि इसमें क्या कुछ हम सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। तो टोटल ओवरऑल मैं इसको आपको रिजल्ट दूंगा कि ये थोड़ा रिस्की है। अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हो तो इसके आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग ठीक कि आप ऐसा इन्वेस्ट करो या नहीं करो, बाकी आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। ये जाओ आई है, अभी मैं तो इससे पैसा विड्रॉ करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक दिन इस ऐप में काम करेगी, कब बंद हो जाए वी डोंट श्योर। सो इट्स अप टू यू, आप रखना चाहते हैं या नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।